अगेन 1v1v2 की 2v6 का सिचुएशन बन चुका है गाइस। बैंग बैंग गाइस ट्रिक्स बहुत ही शानदार से क्लोजिंग करते हुए फाइनली कर चुके हैं फिनिश ऑफ। जॉइन मी के जोसेफ को लास्ट में बचेगा गाइस टीम स्टार की जिन गॉड बहुत ही अच्छा लोकेशन होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। M4 का बहुत ही शानदार स्प्रे ट्रेस को नोटिस कर दिया जा चुका है। नराय को भी नोटिस करने की कोशिश चल रही है। M4 का स्प्रे नराय की तरफ से M4 का स्प्रे 6x स्प्रे देने की कोशिश है गाइस। ट्रेस को नॉकआउट करने में हो चुके गाइस काम है। वन लास्ट प्लेयर बचे हैं गाइस टीम सप्लाई बैंक का नीड का बहुत ही शानदार थ्रो एंड फाइनली M4 के शॉट से हो चुके गाइस फिनिश ऑफ। 1v1 का सिचुएशन था, अगर इनके पास सर्कल का एडवांटेज रहता तो शायद टीम स्टार मैच को जीत सकते थे बहुत ही ज्यादा इजीली। ओके वन गाय टेकन डाउन, लॉन्ग रेंज फाइट काफी अच्छा स्प्रे जाता हुआ। जेन विल बी टेकिंग वन गाय डाउन, ब्ला ब्ला यहां पे अपने को कंफर्म क्लियर करते हुए दिख जाएंगे। स्टार्स आल्सो यहां पे दिक्कत में डाल दिए गए काफी ज्यादा, दे वेंट नॉक डाउन यहां पे नॉकआउट जरूर करते हुए देखे थे। तो स्टार्स की तरफ एक बार देखते, एक बंदा स्पॉट किया गया एंड वहां पे एबिली थे, एबिली को डाउन कर दिया गया। तो ज्यूस स्पोर्ट्स का भी यहां पे अपने को एग्जिट होते हुए दिख जाएगा विद फ्रॉम दैट यहां पे इस मैच में से। एंड जोन की बात करें, पांचवा जोन क्लोजिंग कर रहा है, 30 बंदे अभी भी अलाइव है। सो व्हाट इज गोना बी द अल्टीमेट सिनेरियो ये अपने को देखना रहेगा यहां पे। ओके वन मोर गाय टेकन डाउन, उनको भी डाउन का ट्राई रह सकता है। जायरो इज नॉट स्टॉपिंग ओवर हियर, नेड ही कुड बी डूइंग दैट नेड बट कंफर्मिंग दैट किल इज प्रायोरिटी राइट नाउ बिकॉज़ ही नीड्स किल्स। किल्स पॉइंट्स यहां पे लेने काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जोन की बात करेंगे तो जोन इज ऑलरेडी स्टार्टेड, नेड्स आर ऑलरेडी गोइंग इन, विल दैट नेड बी हिटिंग देम ये देखना रहेगा। दैट नेड डिड गो ऑन अ रियली गुड पोजीशन बट इट वोंट रियली बी हिटिंग दैट बिकॉज़ दे हैड अ रिच कवर ओवर देयर। एंड एचवी के एक्सट्रीम का भी नेड जा रहा है वहां पे, एक्सट्रीम भी नेड डाल रहे हैं राइट हैंड साइड से अपने को। टीम स्टार जो है वो भी नेड डालते हुए दिख रहे हैं। सील के दो बंदों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें जरूर खड़ी हो गई यहां पे। एंड टॉप टीम्स आर ऑलरेडी front of us right now, top 10 teams यहाँ पे अपने को already आते हुए दिख गई अपने आगे। SG की बात करें तो Joker and Heaven X आगे की तरफ मौजूद रहेंगे, इनके lit के बंदे भी, but left hand side की बात करें तो EX Inception and team काफी ज़्यादा यहाँ पे अपने को fighting in a few minutes। and right hand side से बात करें, right hand side से अपने को एक बंदा दिखा जरूर है, but in the interim T2K के rated sir जो यहाँ पे अपने को मौली से जाते हुए जरूर दिख गए। on the interim blah 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 की तरफ देखना होगा, blah 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 के close में रहने वाले SG के दोनों भी बंदे, he should be engaging that fight but what is going to be the scenario ultimately ये देखना रहेगा। आगे तरफ जाते हुए देख सकते थे बट DRS के मिस्टर बोरो को जो है चार के बंदों के द्वारा कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर दिया गया। एक बंदा उनका भी डाउन कर दिया गया है। दे हैव द इन्फो अबाउट दैट, दे आर डूइंग द नेड। नेड क्या यहां पे हिट करेगा? नॉट रियली, दैट वाज अ लो टॉस नेड। ही इज प्रेजेंट एट अ लोअर ग्राउंड लेवल यहां पे। जैक्सन ने एक बंदा जरूर डाउन कर दिया बट वोंट रियली बी टेकिंग द अदर गाय डाउन, ही शैल बी फिनिशिंग ऑफ। लेफ्ट हैंड साइड से ट्रेड फायर आया था और उनको डाउन कर दिया गया बट दे न्यू दैट स्टार के बंदों को पता है कि आगे एक बंदा डाउन जरूर कर दिया गया है। सो यहां पे 1v1 फाइट लेने के लिए जरूर जा सकते हैं बट 1v1 से पहले यहां पे देखना रहेगा रेटेड सर जो यहां पे प्रोन डाउन है, ही कुड बी गिविंग सम सीरियस डैमेज इफ यहां पे हेड, यू नो हेड का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कनेक्ट करके यहां पे अपने को डाउन करते हुए दिख जाते हैं बंदे। बट व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो, यहां पे मॉली करी जा रही है, मॉली कुड बी हिटिंग देम बट दैट डिडंट रियली। राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड से साइलेंट का मूवमेंट जरूर दिख रहा है अपने को, सम साइलेंट मूवमेंट बाय देम। एंड जेन विल बी टेकन डाउन बाय दैट नेट। सो T2K इज अ टू मैन प्लेयर टीम राइट नाउ, गोइंग टू बी अ 2v2 फाइट। ऊपर की तरफ से कवर जरूर प्रोवाइड कर देना चाहिए। एक बंदा टेकन डाउन, यस विल बी टेकन डाउन, रेटेड सर इकलौते सर्वाइव कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे देखना रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड से जो एक बंदा आ रहा था ही कुड बी टेकिंग हिम डाउन बट नॉट रियली। स्टार्स will be taking that winner, winner chicken dinner on their name. So 11, okay, what a number, 12 kills, winner, winner chicken dinner for them as well. And 13 kills, yahan pe hashtag 2 with 7C all together, yahan pe dikkaton mein kaafi zyada dal di gayi hai. Zeus Leos is not stopping over here at any cost. Zeus is going to try to dominate this lobby completely. Let's just see to it, what is going to be the ultimate scenario that we notice over here, what we call it, viable. Abili ki taraf dekhe, Abili also took one guy down over here, confirm that kill for himself as well. And I can see that team has already taken 9 kills. 9 kills have already been taken down by Zeus Esports and many more uplined as well. Right hand side, SG is also coming in. DRS is at the central areas of the zone. I can see T2K prone down as well. T2K will be eyeing at taking kills as well. Alright, Zeus also doing that damage. Zeus has taken 13 kills altogether yahan pe. IC is just not stopping over here. IC has taken 6 solo kills already. He could be aligned for many more to go. He has a really good cover. But the ultimatum is the zone, which they are not having right now. And zone mein kis tarah se yahan pe position lete hue dekhte hai, ye apne ko zarur dekhna rahega. DRS ke people, they are just in front of him. He should be nading towards them as well. But the availability of the explosive is being in a void right now. But Leon does have those. And Leon takes one guy down as well. Mafia Ninja has been taken down, completely finished off. So SG Leon taking that kill as well. To yahan pe wo kill ko bhi yahan pe apne को कंफर्म किल स्टील करते हुए दिख गए, टेकन सम डैमेज। लियोन टेकिंग निंजा डाउन, निंजा भी यहां पे डाउन कर दिया गया। विनोद के तो देखना होगा, ही स्पॉट्स हिम डाउन एंड ही टेक्स हिम डाउन एज़ वेल।
यहाँ पे बोरो के द्वारा डाउन कर दिए गए यानी ज्यूस की बात करेंगे ऑल टुगेदर यहाँ पे काफी अच्छा फाइट होता है गाइस दे हैव बीन वाइप्ड आउट डीआरएस हैज बीन वाइप्ड आउट एट द पोजीशन ऑफ 4 ओवर हियर एंड इफ यू टॉक अबाउट ज्यूस इट्स गोना बी ज्यूस वर्सेस डी वर्सेस एचयू एक्सट्रीम सो इज द गस गोना बी गुड बट आई कैन सी ओवर हियर दैट हील बैटल इज बीइंग कैरीड आउट बाय ऑन टॉप सर ही हैज 11 मोर फर्स्ट स्टेज बट ही वोंट बी यू नो सर्वाइविंग अल्टीमेटली टुवर्ड्स अ चिकन डिनर एक्सट्रीम शैल बी टेकन डाउन सो दिस चिकन डिनर विल वेगली गो टुवर्ड्स टीम ज्यूस आई सपोज इट गेटिंग 16 किल्स विनर winner chicken dinner it will be for them DRS versus Zeus ultimately guys this is something that is happening over here so let's just see to it how many more fights are aligned Zeus OP ICOP yes mere bhai that is a really good fight that is happening you know between them so altogether Leo's okay he has been taken down by the zone but ultimately is the only one surviving on top ka yahan pe 4 aur first years baki hai last 4 first years and with that Zeus will be having that winner chicken dinner on their name as well so altogether it is a really good scenario that happened over here All right, guys, spam some English also so that I can, have a one-to-one conversation with you all. I'll be having that as well. I won't really be ending the stream right now. Let's have a one-to-one conversation and let's talk a little bit. Because Zeus is already having that chicken dinner on their name. It was the last first aid. 3, 2, 1 and with that on top shall be taken down as well so Zeus esports taking that 16 kill winner chicken dinner victory title on their name and hashtag 2 will be DE alongside that is Astra Academy Pika he is gonna be the only one surviving over here I8 is disastrous yes mere bhai certainly disastrous because they have been taking down players one by one and the 12th kill has already been confirmed for them One more guy taken down, but this time it was Zeus. Zeus ke Zhol ko in the interim down kar diya gaya. That was a really good trade fire which happened in front of them. And IIT shall be having some knowledge that Juicy Sports is in front of them. They heard that firing. They did hear that. And henceforth, what is going to be the scenario? Ably shall be taken down as well. Zeus Esports also taking an exit over there. So ultimately, three teams are surviving over here. 2v3v1 scenario. Pika will be the only one surviving. Pika is just going, Pika will just be waiting for that perfect time to hop in that third party. Fight and he'll be providing some serious damage henceforth. Okay, Pika now is gonna have a 1v4 fight over here. Could be taking Johnny down, but he has to play the game of patience as well. Astra Academy Pika over here. He's the only one surviving. Survive iklote kar rahe hain, par kya scenario yahan pe apne liye create kar denge? Ye zarur dekhna rahega apne ko. जॉनी लेफ्ट हैंड साइड से मौजूद है जॉनी इज यू नो ट्राइंग टू स्पॉट पीका डाउन राइट नाउ यहाँ पे बैकपैक एंड सब कुछ छोड़ चुके हैं सब कुछ यहाँ पे बैकपैक एंड ऑल छोड़ चुके हैं तो यहाँ पे दिक्कतें जरूर से दे देंगे 15 मीटर जाना इन द जोन ही विल बी टेकिंग वन गाय डाउन इरेडिकेटिंग हिम कंप्लीटली एंड राइट हैंड साइड से एक और बंदा उनको स्पॉट कर लेगा एंड विद दैट I8 will be taking that winner chicken dinner for them. Pika didn't really have that, perfect position that he needs, perfect cover that he needs for, himself to, keep himself in cover and avoid the trade fire. But he didn't have that and by the, By that situation, he was taken down. So I8 altogether taking that victory for them, and they certainly had, I can see, 17 kills. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोकी दबा के लाइक ठोकी यहाँ पे देखिए